आपके यहाँ भी नहीं है? अच्छा देखिए, अगर कुछ भी पता चले ना प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। थैंक्स। समर भैया पता नहीं कहाँ चले गए, मैंने उनके सारे फ्रेंड्स को फोन किया, कहीं नहीं मिले। समर की हालत देखी है ना तुमने, उसका भरा पूरा परिवार बिखर गया, देखा ना कितना डिस्टर्ब और परेशान है। थोड़ा समय दो उसे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन भैया जा कहाँ सकते हैं? हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए। नहीं शुभ्रा, समर बहुत समझदार है, वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा जिससे उसके अपनों को तकलीफ पहुंचे। तुम चिंता मत करो, आ जाएगा समर, सब ठीक हो जाएगा। हमेशा हमारे साथ ऐसा क्यों होता है? हम ठीक से खुशियों का स्वागत भी नहीं कर पाते और वो उल्टे पांव लौट जाती। बचपन में नली में फूंक मारकर साबुन के बुलबुले बनाते थे, आज जाना उन बुलबुले और सपनों में कोई फर्क नहीं, दोनों देखते ही देखते गुम हो जाते। ऐसा कुछ नहीं है सलोनी, सब समय का खेल है, सही वक्त आने दो, सारी मुश्किलें अपने आप दूर हो जाएंगी। आ गए बेटा तुम दोनों? जी पापा, बस अभी आए हैं। गिन्नी और बच्ची को नहीं लाए? क्यों नहीं लाए बेटा? अब समर का क्या होगा, जाने कहाँ चला गया है वो, पता नहीं किस हाल में होगा। पापा समर भैया जरूर आएंगे। नहीं रह पाएगा वो निकिता के बिना, बहुत भावुक है मेरा बेटा, कुछ ही दिनों में कितना लगाव हो गया था उसे उस बच्चे से, समर की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। मुझे लगा था कि शायद गिन्नी को हमारे हाल देख के तरस आ जाए, लेकिन आप अपना दिल छोटा मत कीजिए, जिसने तकलीफें दी हैं वही ने सहने की शक्ति भी देगा, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल ना हो, हर रात की सुबह जरूर होती है। आप हिम्मत रखिए, सब कुछ जल्दी ही ठीक हो जाएगा। लगता है भैया आ गए। मैं जानती थी अपने बच्चे के कल की चिंता तुम्हें जरूर होगी, मैं जानती थी तुम वापस आओगे। मैं अपने जिगर के टुकड़े, अपने जीवन के इकलौते सहारे को आप लोगों को देने को तैयार हूं। पर मेरी एक शर्त है।